तो हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्किप मत करना, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने उन बच्चों को रोते हुए देखा है, भीख मांगते हुए देखा है, जो बच्चे नोट्स को हल्के में लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नोट्स। कड़वी बातें बोलूंगा, सही बातें बोलूंगा। देखो भाई, मैं बहकाने वाली बातें नहीं करता, क्योंकि देखो 2 साल बाद तुम मैच्योर हो जाओगे, अभी मैच्योर हो और तुम जज कर सकते हो कौन बंदा सही बोल रहा है कौन बंदा गलत बोल रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये नोट्स ये है, ये नोट्स है, यहां से कर लेंगे, पीडीएफ से कर लेंगे, असाइनमेंट से कर लेंगे, सब बेकार है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने लोगों को भीख मांगते देखा है कि भाई नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, और नोट्स लेके भी उनका भला नहीं होता। मैंने लोगों को क्या बोलूं, रोते हुए देखा लास्ट में, क्योंकि वो लोग किसी और के नोट्स के भरोसे रहते हैं जो किसी और की लैंग्वेज में लिखी हुई है, किसी और की समझदारी से लिखी हुई है। नोट्स आपके वही होंगे जो आपने लिखे हैं। आपका लिखा हुआ आपका सगा होगा और दूसरे का लिखा हुआ नोट्स वो पराया है भाई, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बोलते ना पराई दौलत, पराई स्त्री और पराई नोट्स किसी का काम नहीं आती। मेन मुद्दा यह है, जिन बच्चों का नोट्स गजब होगा वो टॉपर बनेंगे, वो गजब बनेंगे। जिन बच्चों का नोट्स बेकार होगा वो कुछ भी नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना आप लोग, सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। तो नोट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मैं ऐसी बात करूंगा जो मैंने फॉलो किया लाइफ में, और मुझे चीजें लंबे समय तक याद रहती थी, पेपर हो चाहे कुछ भी हो, मेरा फुल कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे तो पूरे ही आएंगे। वो मैं क्या करता था, मैं ऐसा क्या बनाता था। तो टॉपिक रहेगा आज का हाउ टू मेक नोट्स, और ऐसे नोट्स की भाई आपको 100 में से 100 दिला दे। तरीका बता रहा हूं, जेन्युइन तरीका बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे हाउ टू मेक नोट्स कि भाई 100 में से 100 आ जाए, सब कुछ याद हो जाए, गजब नोट्स बनेंगे, गजब। सुनो मेरी बात, बहुत कड़वी बातें बोलूंगा। देखो दो तरीके से बच्चे होंगे, जनरली दो तरह के बच्चे होंगे, एक जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, या एक जो ट्यूशन जाते हैं, या ऑनलाइन बैच से पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैच से। दोनों के लिए बताऊंगा। देखो अपना नोट्स ही काम आएगा, अपना नोट्स ही सगा होता है, बाकी सब तो भगा होता है, बेकार है सब। मेरी बात सुनो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, आप कोई भी वन शॉट देख रहे हैं, या मेरे वन शॉट देख रहे हैं, या फिर आप कोई भी चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर वाइज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको आपने 10 मिनट एक वीडियो को देखा। सुन लो बस भाई, गजब बता रहा हूं, गजब। 10 मिनट किसी वीडियो को देखा, 10 मिनट बाद उसको कर दो पॉज। क्या कर दो? पॉज। दोनों तरीके बताऊंगा, पॉज कर दो और अपनी अपनी एक कॉपी और पेन होगी तुम्हारे हाथ में। अब उस 10 मिनट में इस टीचर से, जिससे चाहे तुम मुझसे पढ़ रहे थे या किससे भी पढ़ रहे थे, इस टीचर से आपने क्या सीखा उसको अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल इजी करके लिखना है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो उसे, इजी लैंग्वेज में। मतलब आपको इसको सीखना है, इस 10 मिनट को 10 मिनट और देखे तुरंत ही सीखना है। बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं बस, ऊपर से नोट बना लिया, कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, चले गए आगे। आगे नहीं भागना है जब तक आप हर 10 मिनट ना सीख लो इजी लैंग्वेज में। इसे इजी लैंग्वेज में नोट डाउन करो, इजी लैंग्वेज में। जैसे कि मान लो किसी ने सिखाया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, तो तुम उसको कन्वर्ट करोगे कि न्यूटन सेज इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट। बताओ मैं क्या कह रहा हूं, घुमा फिरा के मैंने वही बात बोल दी, लेकिन ये तो बहुत इजी बात बोली मैंने। आपको उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन आपको समझना है कि जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि भाई सर्फेस एरिया ज्यादा होगा, पानी का सर्फेस एरिया ज्यादा होगा तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, तो उसको आप अपने आप को समझाओ कि हमने क्या सीखा कि इफ सर्फेस एरिया इज मोर एवोपरेशन इज मोर, इफ टेम्परेचर इज मोर। मतलब उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नोट डाउन करना है। और जब आप नोट्स बनाओगे उसमें आप अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कभी कभी हिंदी यूज कर लिया, कभी हिंदी यूज कर लिया, कभी हमारा मन किया जो मन करे उस लैंग्वेज को यूज करके नोट्स को सजाना है। मतलब नोट्स को सजाना है, अच्छे से समझाना है, अपने अपने मन को समझाना है, और ये वाले नोट्स जो है ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। जब तुम 10 मिनट को वीडियो देखते हो और उस 10 मिनट को अच्छे से समझ लेते हो तो ये आपका 10 मिनट पक्का हो गया, पक्का, ये 10 मिनट वेस्ट नहीं हुआ। फिर आप मानता हूं कि बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि भाई 10 मिनट वीडियो देखो, 10 मिनट में नोट्स बनाओ, फिर 10 मिनट वीडियो देखो, 10 मिनट नोट्स बनाओ, तो भाई जल्दीबाजी किस बात की? गवर्नमेंट ने आपको 10-12 महीने दिया ना, 8-9 महीने दिए ना आपको, आप डेली 4 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे तो हो जाएगा काम, मेरी बात समझो। तो नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 10 मिनट रुको, 10 मिनट बाद रुको, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, और बेटा ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, टाइम पे आएगा कि तुम्हें सब कुछ हाथों हाथ याद हो गया। जैसे आप ऐसे नोट्स बनाओगे आपको याद हो जाएगा, और जब आप एग्जाम टाइम पर आपको अब ये देखना है कि भाई पेपर कैसे करे, तो पेपर कैसे करे, तो आप किसी भी PYQ की बुक उठाओगे, उसके अंदर क्वेश्चन होगा और आंसर होगा, और बाई चांस आपको सारे आंसर आते होंगे क्योंकि आपने पढ़ाई ऐसे करी है। ऐसे में आपसे न्यूमेरिकल भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं भी ऐसे करता। अब जो बच्चे ट्यूशन या ऑनलाइन वैसे पढ़ते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो अपने सर जो करा रहे हैं उसको लिखेंगे, उसको नोट्स बना लेंगे, क्योंकि टाइम तो होगा नहीं, पॉज करने का टाइम इसमें होगा नहीं, नोट्स बना लेंगे, फिर घर पर इस नोट्स को डीकोड करेंगे। डीकोड का मतलब हो गया इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके एक फेयर नोटबुक बनाएंगे, फेयर नोटबुक, और इस नोटबुक में उसकी अपनी भाषा होगी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, जो मर्जी हो, अपनी भाषा होगी, और ये नोटबुक बनेगा उसका ब्रह्मास्त्र। और जब वो एग्जाम में लिखने जाएगा तो कैसे जाएगा सर, एग्जाम में कैसे लिखेगा, इसमें तो उसने बहुत इजी करके लिखा है भाई, ये जो इजी करके लिखा है ये उसके नॉलेज के लिए है। एग्जाम में जाने से पहले वो PYQ की बुक सॉल्व करेगा या सैंपल पेपर सॉल्व करेगा और चेक करेगा कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। PYQ की बुक में क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी होता है, और ऐसा मैं खुद ही बुक बना रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ऐसा मैं बुक बना रहा हूं जिसमें एग्जाम में कैसे लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, टेंशन मत लो। तो कुल मिला के बात क्या है कि कैसे भी पढ़ो आपको अपनी भाषा में डीकोड करना है। अगर मैं कुल मिला के बताऊं तो नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स बनाना है डीकोड करके आपको नोट्स बनाने हैं, और ये हाथों हाथ याद हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, 7 दिन के लिए, और 7 दिन छोड़ो,
एक चैप्टर में ट्राई करके देखो, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, आप एक चैप्टर में ट्राई कर लो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, इस बात का मेरा वादा है। अब मेरी बात सुनो, छोटी छोटी बातें कि आप लोग पढ़ोगे कैसे। देखो, अगर आपको वन शॉट से पढ़ने का शौक है, वन शॉट, सिर्फ वन शॉट से पढ़ने का शौक है, तो आप मुनिल सर नाम के चैनल, मुनिल सर जो कि मेरा ही चैनल है, इसे पढ़ो। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का शौक है बहुत, इसमें वन शॉट में क्या मिलेगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा वन शॉट तगड़ा। अगर आपको भाई फिजिक्स को पढ़ना डिटेल में पढ़ने का शौक है कि भाई मैं लेक्चर वाइज देखूं, तो मुनिल सर फिजिक्स से पढ़ो, ये भी मेरा चैनल है, मुनिल सर फिजिक्स से पढ़ो, इसमें आपको लेक्चर वाइज मिलता है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने का शौक है, वो भी लेक्चर वाइज डिटेल में, कि सर केमिस्ट्री के तो भाई बड़े 8-9 चैप्टर ही हमारे सिलेबस में, हम बहुत गजब पढ़ेंगे, तुम केमिस्ट्री के अंदर हाथ डाल देंगे, ऐसा पढ़ेंगे हम, तो आप जाओ मुनिल सर केमिस्ट्री पे, मुनिल सर केमिस्ट्री में जाओ। अब इन तीन चैनल से आपका भविष्य डिसाइड होगा। फ्यूचर में आपको PYQ, फ्यूचर में आपको PYQ, PDF, नोट्स, ये सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगा। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, सुबह शाम काम कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, सब मिलेगा, ठीक है। तो आपको डीकोड करके, नोट्स हमेशा डीकोड करके पढ़ना है, और इन चैनल से बढ़ो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, एक हफ्ते के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर नए बच्चे हो तो एक बार वीडियो को देख लो भाई, मजा आ जाएगा। और सारे बच्चे एक बार मतलब वीडियो को देख लो, आपको अपने पता लग जाएगा भाई क्या क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे मेरे से प्यार करते हो, एक बार कमेंट में लिख देंगे कि सर सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस करा दो। और अगर आप ये लिख दोगे ना भाई, अगर गलती से भी क्या बोला मैं 500-400 कमेंट भी आ गया ना, तो मैं एक महीने पहले सिलेबस करा दिया करूंगा। और बताओ, पूरी जान लगा रखी है, सिलेबस करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको फॉलो करो भाई, मजाक नहीं कर रहा, मजा आ जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना, फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।